हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एनआईडी स्टूडियो टेस्ट क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एनआईडी के बारे में कि एनआईडी स्टूडियो टेस्ट क्या चीज है, कैसे सब कुछ। एक्चुअली सबके मन में धारणा है, ये सब लोग मान के चलते हैं कि एनआईडी स्टूडियो टेस्ट फलाना फलाना तरीके से होता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि एनआईडी का पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है कि मतलब वो कभी भी कोई भी चीज चेंज कर सकता है। इसका हम कोई पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट नहीं है, ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम लोग आपको हर चीज के लिए रेडी रखेंगे ताकि आप लोग अपने स्टूडियो टेस्ट को बहुत बखूबी तरीके से कर सके। तो हमने इसमें बताया है कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। पहला हमने रखा है डूडल स्केच, सेंसरी टेस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल टेस्ट और पोर्टफोलियो। अब अगर मान लो इनमें से कोई भी चीज कट जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम आपको पूरा बताएंगे कि अगर आप इन पांचों चीज को करके जाते हैं तो एनआईडी स्टूडियो टेस्ट को इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि एनआईडी स्टूडियो टेस्ट होता क्या है। एनआईडी स्टूडियो टेस्ट को बाद में और तरीके से जानने के लिए हम आपको अलग से एक दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको आर्टन्स कैसे ज्वाइन करना चाहिए, आर्टन्स की एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडियो टेस्ट की। तो हम अभी लेके चल रहे हैं आप लोगों को अलग राउंड, तो हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो हमने यहां पे लिया है डूडल स्केच। डूडल स्केच के अंदर दो टॉपिक आते हैं, डूडलिंग एंड स्केचिंग। कई सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, स्केचिंग और डूडलिंग शायद एक ही पार्ट होता है, लेकिन नहीं, यहां अलग है और आपके स्टूडियो टेस्ट के अंदर आपको अलग तरीके से दिया जा सकता है। जैसा कि हमने पिक्चर में शो किया हुआ है, हमने अलग अलग यहाँ पे पैनल, पहले वाले जो स्क्वायर्स है उसमें कर्व्स लाइन वगैरह ड्रॉ की हुई है। आपको बता दें कि ये कर्व्स लाइन वगैरह ड्रॉ करी हुई आती है, आपको दूसरा पूरा सीन बनाना पड़ता है। यहाँ पे वो कर्व्स लाइन दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर दे सकते हैं या कोई अल्फाबेट भी दे सकते हैं, जिससे आपको पूरा पिक्चर नया बनाना होगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको क्या बनाना है, आपके मन में जो आता है बना सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का ना हो, बहुत डिटेलिंग में हो अच्छा खासा पूरा। यहाँ आपकी स्किल्स चेक की जाएगी और आपकी इमेजिनेशन चेक की जाएगी कि आपको इस कर्व में, इस लाइन के अंदर ये नजर आया, इल्यूजन का पार्ट है बेसिकली। फिर हम आते हैं स्केचिंग की तरफ। स्केचिंग आपको वहां पे कराई जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडियो टेस्ट है, तो स्टूडियो जैसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है। आपसे वो कह सकते हैं कि बेटा आप जाइए क्लासरूम के अंदर या कहीं किसी भी इंटीरियर व्यू को देखकर बना के लेकर आना। आपको बोल सकते हैं कि आप एक्सटीरियर व्यू बनाइए, एक्सटीरियर किसी भी बाहर का सीन बनाइए, उसको बना के लेकर आए। अब ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों व्यूज के अंदर एक इश्यू है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकल कैसे? अगर आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज है अच्छी खासी, तो आप सीन को देख के बना सकते हैं, तो आप प्रोपोर्शन का भी ध्यान रख सकते हैं कि यार सीन जो आपको दिख रहा है वो कैसा है। दूसरा, आपको वो इनकम्प्लीट सीन दे सकते हैं, कोई सीन अधूरा होगा आपको पूरा करना पड़ सकता है, ये जरूरी है। जैसा कि मैंने पिक्चर में दर्शाया, यहाँ एक लड़की का सीन अधूरा दिया हुआ, इस लड़की को पूरा बनाने के बावजूद भी आपको बैकग्राउंड सीन भी बनाना पड़ सकता है। इनकम्प्लीट सीन भी आ सकता है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनकम्प्लीट सीन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनिक्विंस या किसी इंसान का पिक्चर दिया जाए, किसी भी प्रकार का इनकम्प्लीट सीन आ सकता है। फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग। एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लॉकिंग सॉर्ट ऑफ। सो ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि कोई चीज आपको अधूरी ड्रॉ की होगी, इसको इनकम्प्लीट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ ज्योमेट्रिकल रिलेशंस है। एब्स्ट्रैक्ट में आपको कोई थीम दी जा सकती है जिसको आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, जिसको आपको बनाना होगा। आप देखेंगे मैंने नीचे एक सर्कल ड्रॉइंग दी हुई है, सर्कल में मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर कुछ अलग टाइप की है। इसमें आपको ड्रॉ करने के साथ साथ इसकी थीम देनी पड़ेगी। एक हार्ट शेप दी गई है जिसका पार्ट जो रिलेशन करता है टेसेलेशन से। तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है जहां पे थीम बेस आपको प्रोग्राम कराए जा सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेंसरी टेस्ट। सेंसरी टेस्ट कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था एनआईडी के अंदर, ये दोबारा चालू हो गया है। अब कई सारे कंफ्यूजन है कि होता है या नहीं होता है, हम आपको रेडी करेंगे। होता है या नहीं होता है डजंट मैटर, अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं, होता है तो आप रेडी होके जाएंगे। सेंसरी मतलब इट मींस आपको फील होने वाली चीज है। सेंसरी टेस्ट, सेंसरी टेस्ट को मैंने पांच पार्ट में डिवाइड किया है। पहला मैंने किया है ऑडियो साउंड राउंड। ऑडियो साउंड राउंड का मतलब है आपकी लिसनिंग पार्ट को चेक किया जाएगा।
हो सकता है कि आपको हाई फ्रिक्वेंसी कोई आवाज सुनाई जाए और आप स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल रिएक्शन ना दे पाए और आपसे पूछा जाए कि आवाज कौन सी है, क्या है या उससे रिलेटेड जो भी कुछ हो। फिर इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसमें स्ट्रिंग है या नहीं है, या उससे रिलेशन कोई से भी आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। एनिमल या किसी बर्ड की आवाज सुनाई जा सकती है और पूछ सकते हैं क्या आवाज है। किसी पॉलिटिशियन या पर्सनालिटी की आवाज सुनाई जा सकती है, किसी इंसान की आवाज सुनाई जा सकती है और पूछा जा सके किसकी आवाज है। तो साउंड के अंदर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आता है विजुअल राउंड। विजुअल राउंड का मतलब है आपका आईज का टेस्ट लिया जाएगा, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है और उसमें पूछा जा सकता है कि कोई सीन चल रहा है या उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछा जाएगा, क्या था इसमें, क्या मिसिंग था, आपने क्या नोटिस करा, कलर्स क्या थे, इल्यूजन क्या था, पिक्सल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये विजुअल राउंड के बारे में। फिर आता है टच के बारे में। टच हो सकता है कई सारे मटेरियल आपके सामने रखे जाए, अलग अलग टेक्सचर जिसमें कुछ टेक्सचर वगैरह हो या फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी रखे जा सकते हैं और आपको एक गॉगल्स लगा दिया जाए या कुछ भी आपके आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये मटेरियल क्या है या कितने मटेरियल आपके पास है, इसके इंडिविजुअली नाम बताइए। फिर आता है टेस्ट। टेस्ट में ऐसा होता है कि बेसिकली हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए थम्स अप और पांच आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दी जाए ग्लास में, डिस्पोजेबल ग्लास में, और बोला जाए इनमें से टेस्ट लीजिए और बताइए कौन सा थम्स अप का टेस्ट है। तो आपका टेस्ट का टेस्ट लिया जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी फूड या किसी भी ड्रिंक्स के बारे में। फिर आता है स्मेल। स्मेल के अंदर गुड और बैड दोनों हो सकती है। कई सारी चीजें आपके सामने रखी जा सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा अच्छा ये बताइए कि ये कौन सी स्मेल है या ये आपने कहां स्मेल या आपने कहां खुशबू ली है ये और आपको कहां की याद दिलाती है, ये कहां के बारे में बताया जा सकता है। सो ये हमारे सेंसरी टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है जिसमें हमारे दिमाग की ग्रिप बहुत जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि यार इसमें तो ये लंबी जोड़ी रेंज है, हम कहां तक की प्रिपरेशन करेंगे, क्या है, हम इसकी प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, कैसे कराना है, इसके लिए हमने अलग से लिंक बना रखा है, वहां पे आपको इजीली बताया जाएगा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं, इनके बारे में क्या क्या जानना जरूरी है। दूसरा, ये जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा तो डे टू डे लाइफ के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में आपको बताया जाता है। तो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही होता है, इसमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता। फिर हम लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दो तरीके से बटा हुआ है, बीडेस और जीडीपीडी, लेकिन दोनों का फंडा एक ही है, आपका एग्जाम एक ही होगा, ऐसा नहीं है। बीडेस बैचलर ऑफ डिजाइन जो कि अपना कालाडी कैंपस अहमदाबाद है जहां पे आपको डिग्री दी जाती है, जीडीपीडी ये आपका डिप्लोमा कोर्स है जो आपके अदर कैंपस में कराया जाता है, लेकिन दोनों का स्टूडियो राउंड सेम होता है। बेसिकली यहाँ पे आपकी मटेरियल हैंडलिंग की नॉलेज को चेक किया जाता है अलग अलग तरीके से। हो सकता है कि आपको पेपर मॉडल बनाने को दिया जाए या कोई नया गेम डिजाइन करने को दिया जाए या कोई गैजेट बनाने को बोले या कोई थीम बेस आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। अब इन सबकी पूरी जानकारी आपको हमारे एक अदर लिंक्स में मिलेगा जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, जहां पे आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा कैसे कैसे मटेरियल को हैंडल किया जाता है। इसकी इंडिविजुअली वीडियो डली हुई है हमारे यहाँ पे ताकि मटेरियल कैसे हैंडल करते हैं, पेपर कैसे हैंडल करते हैं या कटिंग कैसे करते हैं, पेस्टिंग का पार्ट कैसा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको वहां बताई जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मटीरियल दिया जाता है और मटीरियल के अकॉर्डिंग आपको वहां पे वो सॉल्व करना होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको लिखने को भी बताया जाता है, यहाँ पे लिखने का भी आता है जिसको आर्टिकल कह सकते हैं या राइटअप कह सकते हैं। तो वहां पे आपसे बताया जाता है कि पूछा जाता है कि आप अच्छा बताइए कि ये क्या क्वेश्चन है, कैसे है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए मैंने इस स्लाइड में आपको नहीं बताया। इस स्लाइड में हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एनआईडी स्टूडियो क्या होता है, इन सब के इंडिविजुअली पार्ट है बहुत बड़े बड़े जिनको अलग तरीके से हमने समझाया हुआ है। फिर आता है इंटरपर्सनल टेस्ट। इंटरपर्सनल टेस्ट का मतलब होता है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। इन दोनों टॉपिकों को भी हमने अलग से बताया क्योंकि ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या बात को इंपॉर्टेंट है, क्या बात को ध्यान में रखना चाहिए, इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनमें हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं, इसमें हमारा जो जितनी भी डिटेल्स होती है इसको अलग से समझाया हम लोगों ने, तो यहां से हम हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहे हैं।
फिर है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपसे आपके साथ में चीजें जो होंगी उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, किन बातों का ध्यान रखना है, आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, क्या मटेरियल आपको लेके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इंडिविजुअली बताया गया है इन दोनों टॉपिक के बारे में। फिर आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कंपलसरी नहीं है लेकिन 2019 में इसका डिक्लेरेशन हुआ है कि शायद आपसे इस बार पोर्टफोलियो पूछा जाएगा, बट अभी लॉकडाउन है सो अभी शायद कई सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन आप अगर पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बहुत बड़ा सवाल है पोर्टफोलियो का, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो को दो नजर से देखा जाता है, एक होता है डिजिटली और एक होता हार्ड कॉपी। डिजिटल मैंने यहाँ सैंपल दे रखा है, जहां पे एक मेरे स्टूडेंट है अविशी मोहता, जिसने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो लगा रखा है अपना, जिसमें ईच एंड एवरी नॉलेज आपको डालना जरूरी है, आपकी स्किल्स की नॉलेज, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना रखा है तो उसकी पूरी डिटेल, उसकी फोटोग्राफी सेक्शन आएगा, आपको दिखाना पड़ेगा अलग अलग एंगल से आपकी डिटेल, आपका किस किस स्किल में नॉलेज है, हर एक चीज आपकी इसमें डालना जरूरी होता है। डिजिटली इसको इसलिए कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बनता है। फिर यहाँ पे एक और स्टूडेंट का सैंपल दे रखा है मैंने, पार्थ खंडेलवाल, जिसने चारकोल और पेंसिल का एक रियलिस्टिक स्केच बना के लगाया हुआ है, जिसमें इसने पूरा एग्जैक्टली ये पूरी पिक्चराइजेशन करी हुई है, इसने सामने पूरा कंपोजिट किया है इसको, देन इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसने पिक्चर क्लिक करी और इसको एक पिक्चर को वहां लगाया और नीचे लिखा है कि इसमें डिटेलिंग क्या क्या इसने कैसे कैसे बनाया। दूसरा मेरा एक और स्टूडेंट है कौस्तुभ मालव, इसने वाटर पेंटिंग करी है, इसको वॉश पेंटिंग में कहते हैं, इसने वॉश पेंटिंग करी है, रियलिस्टिक है, सामने रख के देख के बनाया, इसकी डिटेल लिखी इसने कैसे बनाया क्या बनाया, इन दोनों को इसने हार्ड कॉपी में भी कर रखा है और डिजिटली भी कर रखा है। हार्ड कॉपी में इसलिए क्योंकि अगर ड्यूरिंग योर पर्सनल इंटरव्यू आपसे पूछा जा सकता है आपके स्किल्स के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में, तो आप पोर्टफोलियो के थ्रू बता सकते हैं कि ये मैंने बनाया, ऐसे बनाया, इस तरीके से। कई सारे बच्चों के डाउट है कि क्या पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। पोर्टफोलियो में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग रह चुके हैं, रैंकर्स रह चुके हैं, आपने बहुत ज्यादा अचीव कर रखा है तो उसमें रिकॉर्ड डाल सकते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं, आपके अचीवमेंट्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल्स एक्सेट्रा, कुछ भी चीज आप लगा सकते हैं जो भी आपने अचीव कर रखा है लाइफ। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप कोई स्टोरी लिखते हैं या आप अपने खुद की बायोग्राफी लिखते हैं तो वो आप दिखा सकते हैं, जो भी आपकी लिखने की हैबिट है। किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है या किसी को सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है, सॉफ्टवेयर में क्रिएटिविटी करते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, इनके अंदर वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको 3D वर्क्स की नॉलेज है कि आपको 3D में क्या क्या आता है तो आप 3D की नॉलेज बता सकते हैं, कि आपको टॉप व्यू, राइट, बॉटम, लेफ्ट एक्सेस की नॉलेज है तो आप वो बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्किल्स को जज करेंगे कि आपको क्या क्या आता है। कुछ लोगों को कलेक्शन की आदत होती है, कोई टिकट्स कलेक्ट करता है, कोई कॉइन कलेक्ट करता है, अलग अलग कलेक्शन की आदत होती है, आप अपने कलेक्शन को वहां डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें कलेक्शन की नॉलेज है या कलेक्शन करते हैं। क्रिएटिव स्किल्स, जैसे अगर मान लो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आपको अपने स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कार्विंग, और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखाना चाहिए अगर आपको आता है। नहीं आता तो उसको डेवलप करना चाहिए, बिकॉज अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्किल्स आपके लिए होना जरूरी है। सच एज स्किल्स नॉलेज, जैसे अगर मान लीजिए आपकी आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज अगर मान लीजिए मैं फैशन डिजाइनिंग के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे फैशन डिजाइनिंग की पूरी नॉलेज होना जरूरी है, उसके स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। मुझे टेक्सटाइल में जाना है तो मुझे डाइज के बारे में पता होना चाहिए, उसके यार्न के बारे में पता होना चाहिए, उसके कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, मुझे ईच एंड एवरीथिंग। डिजाइनर्स के नाम पता होने चाहिए कि मेरे को कौन कौन से डिजाइनर्स हैं। अगर पोर्टफोलियो में डिजाइनर्स के बारे में लिखते हैं अपने पसंदीदा, आपके अगर आपका कोई डिजाइनर्स है तो पोर्टफोलियो में ऐड करिए। और पोर्टफोलियो बहुत बड़ा टॉपिक है, सो हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर, बाकी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। नियर अबाउट अकॉर्डिंग टू मी एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं ढंग से अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो। सो बाकी मैं आप पोर्टफोलियो के मैंने लिंक दे रखे हैं बहुत सारे, तो वहां जाके देख सकते हैं पोर्टफोलियो के पोर्टफोलियो में क्या क्या डालना जरूरी होता है। सो ऑल ऑफ यू, दिस इज अ शॉर्ट नोट फॉर द NID स्टूडियो टेस्ट। इनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, बाकी जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9511100 पे, आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी लिंक देख सकते हैं जहां पे आपको मिल जाएंगे artansarts.com। हम सोशल नेटवर्किंग लिंक्स पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको देखना है कि हमारे बच्चे कैसा काम करते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं,
और काफी सारी जगह पे हम लोग अवेलेबल हैं, वहां जाके आप देखें, सेटिस्फाइड हो देन यू कैन ज्वाइन आर्टन्स आर्ट एकेडमी। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमें। थैंक यू।